नमस्कार, आप देख रहे हो बीसीएन न्यूज के खास मुलाकात में। आप सभी का मैं क्षितिजा देशमुख स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है स्टूडियो में वसीम खान, जो कि प्रेसिडेंट है नागपुर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। धर्मपाल मेश्राम है प्रवक्ता बीजेपी से, और घनश्याम नमस्कार। निखाड़े जी है नागपुर शहर सचिव मनसे से। आज हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल जो आए हैं उस पर हम सबको पता है कि चुनाव के नतीजे आने हैं, उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं, और एग्जिट पोल पर इन सभी लोगों के क्या मत है, क्या प्रतिक्रिया है, ये हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा धर्मपाल मेश्राम जी से है। सर, चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बताओगे? भारत देश की अनेक संस्थाओं ने और अनेक अनेक दूरचित्र वाहिनियों के माध्यम से जो एग्जिट पोल लोकसभा 2024 के संदर्भ में आए हैं, तकरीबन सभी एग्जिट पोल्स में भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी फिर से तीसरी बार भारी बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए, भारत देश के लिए अपितु आनंद और गर्व की बात है। और महाराष्ट्र में भी महायुति अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन चूंकि यह एग्जिट पोल है, यहां पर जिस प्रकार से सभी लोगों ने मेहनत करी है, उन सभी के मेहनत का आदर रखते हुए मैं यह स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है। अभी जो कुछ रिजल्ट आएंगे और इस देश की 140 करोड़ जनता अपने प्रातिनिधिक रूप में, जो तकरीबन 60% से ऊपर जनता ने वोट किया है, मतदान किया है, वह प्रातिनिधिक जनता अपना प्रधानमंत्री और देश में किसका राज्य रहेगा यह भी चुनाव करेगी। जो कुछ भी चुनाव में परिणाम आएंगे उसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और निश्चित रूप से इस देश की जनता भी पूरा सम्मान करेगी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति निश्चित रूप से इस 2024 लोकसभा सार्वत्रिक चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, यहाँ के जो भी आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है, पर जहां तक महायुति की बात है, मैं समझता हूं कि जो हमारे आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, इन्होंने जिस प्रकार का प्रेडिक्शन किया और जिस प्रकार की मेहनत हमारे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी ने संपूर्ण महाराष्ट्र में इन 48 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में की है, मुझे विश्वास है कि जनता हमें निराश नहीं करेगी। और जो हम चाहते थे कि तकरीबन 42 सीटें महायुति की महाराष्ट्र में आएगी, तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूं और बिल्कुल मैं विश्वास भी जताता हूं कि जनता निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखकर अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी और महायुति को देगी और भारी मतों से चुनाव जिताएगी। बिल्कुल। वसीम खान से मेरा ये सवाल है कि क्या बताओगे, क्या प्रतिक्रिया है एग्जिट पोल को लेकर आपकी? एग्जिट पोल जो आए हैं अभी, सभी नेशनल स्टेट के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा मेहनत है। उनकी मेहनत को सलाम, उनने अपना जो भी एनालाइज किया और एग्जिट पोल दिया। लेकिन इसके पहले भी 2019 में एग्जिट पोल आए थे, जिसमें कांग्रेस को कुछ 22 से 24 सीट मीडिया के माध्यम से मिल रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन वो डबल गई थी, 52-53 गई थी। वही एग्जिट पोल 2004 में भी आए थे, जिसमें एनडीए को बहुमत बता रहे थे, 280 पहुंचा रहे थे, लेकिन वो रिज़ल्ट कुछ और आया था। ऐसी कई एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के भी इलेक्शन में हम देख चुके हैं। तो क्योंकि एक अनुमान है, तो अनुमान पे आप एकदम ये नहीं बोल सकते हो कि ये परफेक्ट रिजल्ट रहेगा। जैसे कि हमारे मित्र, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता वाघमारे जी बैठे हैं, इनने अभी बोला कि एग्जिट पोल के माध्यम से पता चलता है कि पीएम मोदी तीसरी बार फिर वापस से पीएम बनने वाले हैं, मोदी जी।
और वही है एग्जिट पोल स्टेट का। बोलते हैं कि यहाँ के एग्जिट पोल में 25 सीट जो बता रहा है महाविकास अघाड़ी को, तो उनके इनके हिसाब से स्टेट में 42 आएंगी, और जो 400 पार आ रही है नेशनल की, तो वो इनके हिसाब से सही है। तो एग्जिट पोल इनके हिसाब से नहीं चलता है, मीडिया की मेहनत रहती है, मीडिया का अनुमान रहता है, लेकिन क्योंकि ये एक अनुमान है, फिर से मैं बोलूँगा ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी 4 जून को। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी बताया कि ये अनुमान है, लेकिन कई विपक्षी नेता जो है इस पर जो है अविश्वास जता रहे, बता रहे कि ये मोदी द्वारा दिए गए आंकड़े हैं जो कि एग्जिट पोल में है। इसमें कितना फैक्ट है ये हम जानना चाहेंगे धर्मपाल मेश्राम जी से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, एग्जिट पोल्स ये एग्जिट पोल्स ही रहेंगे। वहाँ का सैंपल साइज, समाज का किस तबका, कौन सा तबका इनके एग्जिट पोल में अपने मत को दे पाया है, अपनी बात को रख पाया है, उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। लेकिन एग्जिट पोल पर सब चीज़ें निर्भर नहीं हो सकती। जहां तक मैंने सुना कि कुछ नेशनलाइज चैनल ने अपने अपने जो एग्जिट पोल्स किए, तो उनका सैंपल साइज 5,30,000 के करीब था। कुछ चैनल्स ने एआई के माध्यम से भी दावा किया कि हम 10 करोड़ लोगों का सैंपल साइज ले पाए, लेकिन मुझे इस सभी बातों पर विश्वास नहीं लगता है। कुछ लोगों ने आउटसोर्स एजेंसीज के माध्यम से एग्जिट पोल कराया है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि इसकी सच्चाई अब कल जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से जल्द ही मतों का यह पिटारा खुलेगा। और भारत का मूड क्या है, नेशन मूड ऑफ नेशन क्या है, क्या चाहते हैं वो। आज तो प्रथम स्तर पर यह तो समझ में आया है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जब तक मतों का पूरा पिटारा ठीक से खुल नहीं जाता, तब तक के निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि तकरीबन सारे चैनल्स जो कुछ कह रहे हैं, या सारी एग्जिट पोल्स की एजेंसियां बोल रही है कि 300, 350, कुछ 400 तक गई है, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि हम 400 पार का आंकड़ा निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में महायुति संपूर्ण भारतवर्ष में पार करेगी, और भारी मतों के अंतराल से फिर से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लाल किले से शपथ लेकर इस देश के जनता को संबोधित करेगी। ऐसा विश्वास मुझे आज भी है, और इस देश की जनता पर मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेताओं ने काम किया है, और आम जनता ने जिस प्रकार के रिटर्न हमको दिए हैं, जिस प्रकार के उनके खुशनुमा चेहरे हमको बता पाए हैं, मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ, आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कल का सूरज हमारे लिए 400 पार का आंकड़ा निश्चित रूप से जीता कर लाएगा। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा घनश्याम निखाड़ी जी से है जो कि मनसे से है और समर्थन दिया है महायुति को मनसे द्वारा। तो मुझे ये सवाल है आपसे कि क्या लगता है आपको एग्जिट पोल जो आए हैं उस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है एग्जिट पोल को लेकर? और जिस तरह से हम महाराष्ट्र की, नागपुर की अगर बात करें, यहाँ पे जिस तरह से जो गडकरी है इन्हें आगे बताया जा रहा है, इस पर भी बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, क्या बताओगे आप? मैं तो सबसे पहले पूरे एग्जिट पोल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भी सभी चैनल वाले ने जो एग्जिट पोल प्रदान किए हैं, जो बताए, और उनको महायुति आघाड़ी को 370 से लेके तो 400 तक जो आंकड़े उन्होंने दिए वो बराबर दिए। क्योंकि पिछले 10 साल में जितना काम हुआ भारत देश में, वैसा कई काम हुआ नहीं। इसके पहले 60 साल में कांग्रेस का जब रास्ता, तो कांग्रेस ने क्या किया, क्या दिया अपने यहाँ पे? आपने नितिन जी गडकरी के बारे में बोला, नितिन जी गडकरी ऐसे एक व्यक्ति है, कार्य सम्राट बोलते हैं उनको, और मैं तो एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक पदाधिकारी हूँ, लेकिन आज मैं वो आदमी की तारीफ इसलिए करता हूँ कि वो कार्य सम्राट अपने नागपुर में नहीं, उनको देश में नहीं, अखे वर्ल्ड में उनको मानते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि नितिन जी गडकरी को बिन विरोध लास्ट टाइम आपके मुलाकात में ही बोला था कि ये सब नागपुर वकर वासियों ने उनको बिन विरोध चुन के देने को होना था। और 370 कलम उठाना, जो
2019 से 2024 के बीच में जो नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय दिया, हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष उन्होंने 17 मई 2024 को जब शिवाजी पार्क में सभा हुई थी, तभी राज साहब ने उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद होने वाले तीसरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा उन्होंने उल्लेख किया था और उन्होंने उसी टाइम शुभेच्छा दिया था। और आपके चैनल के माध्यम से जो आज मीडिया ने जो भी आंकड़े दिए हैं 376 से लेकर 400 तक, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और जो भी आंकड़े आए वो मीडिया को प्रणाम करता हूँ जो भी दिया। जिस तरह से आप अभी अलायंस में हो या समर्थन दिया है मनसे ने, उससे पहले आप अलायंस में नहीं थे या समर्थन भी नहीं था बीजेपी को या महायुति को आपका, तो भी आपने ये बात कही थी कि गडकरी अगर यहाँ पे प्रत्याशी है तो मैं उन्हें चुनकर देना चाहूंगा क्योंकि नागपुर में उनके कार्य दिख रहे। यही सवाल मेरा वसीम खान जी से है कि आप क्या कहना चाहोगे इस सवाल पर। नितिन गडकरी जी का जो सवाल हो रहा है तो आप देख सकते हो और आप शुरू से कवर कर रहे हो इलेक्शंस के पहले से, जिस तरीके से गडकरी जी ने 5 लाख का एक भूगोल फूका था कि 5 लाख की लीड से ये बार वो चुनकर आएंगे और सभी उनके कार्यकर्ता और सभी उनके नेतागण पदाधिकारी 5 लाख 5 लाख के नारे लगा रहे थे जब तक हमारा कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था। जब हमारा कैंडिडेट घोषित हुआ है श्री विकास ठाकरे, उसके बाद वो लीड थोड़ी कम हुई और 4 लाख पे आई। तब जब हमारी मेहनत देखी गई तो वो लीड का आंकड़ा 2 लाख तक आ गया था और जब इलेक्शन हुए, पोलिंग हुई, उसके बाद सोर्सों से ऐसा पता चलता है कि गडकरी जी अब खुद बोलते हैं कि 65,000 से मैं 50,000 से 65,000 की लीड में आऊँगा। तो वो अब तो रिजल्ट ही बताएंगे कल के, गडकरी जी आएंगे कि रह जाएंगे। तो गडकरी जी कैसा बताएंगे? गडकरी जी तो मैं तो बोलता हूँ कि वो 2.25 से 3 लाख के करीब से चुन के आ रहे। हमारा काम विकास ठाकरे कर रहे, हमारे नेता विकास ठाकरे। अरे तुम्हारी टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था कांग्रेस की टिकट के लिए। तो क्या बोला, लिस्ट बताओ आपको। विकास ठाकरे को मोहरा बनाया, काय का मोहरा बनाया? तो क्या आप कैसा बोल सकते हो? तुम्हारे सीनियर कौन हो? विकास ठाकरे कांग्रेस के 12 साल से अध्यक्ष है। विकास ठाकरे महापौर रह चुके हैं, विकास ठाकरे ने 8 इलेक्शन लड़े। आप कैसी ये बात कर सकते हो? आप इसके लिए माफी मांगो, आप ऐसी बात कर ही नहीं सकते हो यहाँ चैनल पे। नहीं, आप ये बात बिल्कुल, ये सवाल कैसी बात कर सकते हो? बार हमारे पास विकास किया मुत्यमार जी ने कौन सा? वो बात छोड़ो, आप नितिन गडकरी की बात करो। 10 साल में जो किसने किया और आज भी आने वाले अपने बच्चों के लिए और 5 साल रुको, डेवलप होता है नागपुर वो देख लेना। देखिए पब्लिक जिसको भी चुनाकर लाती है काम के माध्यम से चुनाकर लाती है, बहुत अच्छी बात है। नितिन गडकरी जी ने काम कार्य जो भी करे बहुत अच्छी बात है, वो खरे उतरे, उनके लोगों का मत है वो उनको वोट देंगे। विकास ठाकरे हमारे लीडर है, विकास ठाकरे का काम नागपुर ने देखा है एज अ महापौर, एज अ अपोजिशन लीडर, एज अ आमदार। विकास ठाकरे के भी कार्य लोगों ने देखे, इसलिए आज विकास ठाकरे इतने खरे उतरे और टक्कर की जो फाइट आई है, जो कि एक जगह आप बोल रहे निरोड़ चुनाकर देना था और गडकरी जी को 5 लाख की लीड आएंगी, वो सब चीज़ों बातों पे अभी ख़त्म हो गए। गडकरी जी ने खुद बोले हैं, खुद अपनाए हैं, 5 लाख की लीड की बात को उनने भी ठुकरा दी है। अभी उनका कहीं ऐसा भाषण नहीं है कि 5 लाख की लीड आएंगी। बिल्कुल, यही सवाल हम लेकर चलते हैं धर्मपाल मेश्राम जी की ओर, वो कितना सहमत है इससे या उनकी क्या प्रतिक्रिया, ये जानते हैं। यह सच है कि जब चुनाव की शुरुआत देखी गई तो भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी नेता कार्यकर्ता आश्वस्त था कि नागपुर शहर के तकरीबन 20 लाख के ऊपर 22 लाख के करीब जो वोटर है, जिस प्रकार से नितिन जी गडकरी साहब ने नागपुर शहर में विकास के नए परिमाण बनाए हैं, जिस प्रकार की यहाँ पर एम्स रहे, IIIT रहे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल फायर कॉलेज, सिम्बायोसिस
और अनेक प्रकार की एजुकेशन हब जिस प्रकार से आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब ने नागपुर शहर को बनाया, जिस प्रकार से मिहान में एविएशन का जो हब बनाने की ओर नितिन जी अग्रेसर रहे, जिस प्रकार से इस शहर में उन्होंने मेट्रो का निर्माण किया, शहर में पिछले 75 साल में जिस प्रकार का विकास नहीं देखा गया, उस प्रकार का विकास लाने का काम पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब ने किया। बिल्कुल। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये सोच है, हमारी समझ है, जब उन्होंने विकास के परिमाण बनाते समय किसी की जात, धर्म, पंथ, भाषा, भेषा, भेष, भोजन पद्धति को नहीं देखा, उसको नहीं आका, यहाँ के दिव्यांगजन रहे, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित रहे, हमारे मुस्लिम भाई भी क्यों न रहे, सबको जब मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुफ्त में रेशन दिया, गैस दिया, कोरोना में लस दी, जिस प्रकार को इस देश को विकास के राह पर लेकर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है, हम समझते हैं, हमारा मानना है और नागपुर शहर की जनता के प्रति हम लोग आश्वस्त थे, आश्वस्त है कि गडकरी साहब को जब कल चुनाव की परिणाम घोषित होंगे तो निश्चित रूप से 5 लाख के मतों के अंतराल से गडकरी साहब चुनाव जीतेंगे। और जब तक चुनाव के परिणाम सामने नहीं आते तब तक इसका चुनावी विश्लेषण ठीक ठाक ढंग से करने के बाद ही हम लोग अपनी बात आपके सामने या नागपुर शहर की जनता के सामने रख पाएंगे। लेकिन तब तक हम पूरी तरीके से आश्वस्त है, नागपुर शहर की जनता के प्रति आश्वस्त है और उनके ऊपर हमारा इतना विश्वास है। और गडकरी साहब ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार का काम इस शहर को बड़ा बनाने के लिए किया है, या फिर देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री पद के काल में जिस प्रकार से 2014 से लेकर 19 तक उनके कार्यकाल में इस शहर ने विकास के नए परिमाण स्थापित किए हैं, उस और इस तरफ यह इंगित करता है कि निश्चित रूप से नागपुर शहर की जनता होशियार है, समझदार है, सूक्ष्म रीति से निरीक्षण करती है और अपना मत जब कल परिणाम सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया था, हमने विकास के कार्य पर हमने वोट जनता से मांगा था, हम निश्चित रूप से 5 लाखों की मतों के अंतराल से नितिन जी गडकरी कल चुनाव जीतेंगे और आप विश्वास रखिए। और तब तक जब तक परिणाम नहीं आते उसके बाद में ही इस संदर्भ में हम कुछ भी बोलेंगे, तब तक हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास अपने ऊपर भी है, कार्यकर्ताओं के ऊपर भी है और नागपुर की जनता के ऊपर भी है कि हम 5 लाख के मतों के अंतराल से निश्चित रूप से गडकरी साहब कल आपको जीते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा घनश्याम निखाड़े जी से है। कल एक चैनल को मतलब चैनल से बात करते हुए विकास ठाकरे ने कहा था कि मैं एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं रखता हूँ, जो एग्जैक्ट पोल है उस पे मैं विश्वास रखता हूँ और जीत का भी दावा उन्होंने किया है, क्या बताओ? एग्जिट पोल पे अभी जैसा वासिम भाई ने बोला कि क्या कोई काम नहीं है, अभी जो 360 से लेके तो 400 तक 390 तक जो आंकड़ा बता रहे महायुति को, कुछ कार्य है करके ही तो बता रहे ना। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा सीट मिल रही ये उन्होंने देखा तो वह अच्छा लग रहा। और यानी यहाँ पे तुम्हारा मीडिया चैनल वगैरह सब बराबर है बोलते, क्योंकि महायुति से ज़्यादा दिखा रहे करके एक दो सीट। लेकिन और ऊपर के जो आंकड़े 360 से लेके 400 तक वाह ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे विकास किया है मोदी जी ने विकास किया है, गडकरी साहब जी ने विकास किया है, ये विकास के प्रति तो सब मिल रहे ना। ये 360 से 400 जो सीट बता रहे और आयुक्त तो 400 पार भी हो जाएंगे, जो मोदी जी का शब्द है 400 पार, वो 400 पार होना ही होना है। बिल्कुल। जिस तरह से अभी विकास की बात कही है निखाड़े सर ने, आप क्या कहोगे वसीम खान जी कि नागपुर में आपको विकास दिख रहा है 10 साल में जो काम हुए हैं, जैसे कि अभी धर्मपाल मेश्राम जी ने बताया जिस तरह से एम्स आया है, कई कॉलेजेस आए, तो क्या बताओगे? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो एग्जिट पोल आया है तो इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही है, जो ये 75 साल बोलते हैं तो राजीव गांधी जी जो कंप्यूटर
के लिए नहीं करते और एजुकेशन हब के लिए नहीं करते तो आज ये भी एनालाइज कर पाना मुश्किल रहता। और गडकरी जी ने जो ये बता रहे हैं कि एम्स और मिहान, तो मिहान भी कांग्रेस के टाइम ही आया है, इसको इम्प्लीमेंट करा है गडकरी जी ने, कोई चीज़ों से रुखा होगा। और गडकरी जी जैसा बताया जाते हैं कि एक व्यापारी किस्म के व्यापारी दिमाग वाले आदमी है, तो व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, इसलिए उनने ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो ये आया तो कांग्रेस के दौर में ना, मेट्रो भी तो कांग्रेस के दौर में हुई आई, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि काम नहीं करे कि काम करे। पुलिया बना देना, रोड बना देना, ये सिर्फ काम नहीं होता है, काम एम्प्लॉयमेंट होता है। और ये सब हमको डिस्कशन इलेक्शन के पहले हम लोग मैडम कर चुके हैं, अभी हम एग्जिट पोल पे बैठे हैं। और ये अभी भी गडकरी जी पे इतना विश्वास नहीं रखते कि बार बार मोदी जी का नाम लेते। तो जब गडकरी जी एक अलग पर्सनैलिटी है तो उनने अपने नाम, जैसे विकास ठाकरे ने सिर्फ विकास ठाकरे के नाम से इलेक्शन लड़े हैं और विकास ठाकरे के नाम से और कांग्रेस कमेटी के नाम से वोट लिए, वही हमारा बोलना है कि गडकरी जी भी एक पर्सनैलिटी है तो उनके ही नाम से उनको वोट मिलना चाहिए, और क्यों उसमें मोदी जी का इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि देश में जो है गडकरी जी को माना जाता है, तो क्या आप भी उन्हें मानते हो? नहीं, मानना नहीं मानना क्या है, आज मुझे नागपुर का कोई काम होगा तो वो प्रतिनिधित्व करते हैं नागपुर का, कुछ ऐसे अर्चे काम रहे जिसमें हमारे भी नेतागण उनके पास जाते हैं और काम लेते हैं। सांसद की बहुत सी ऐसी रहती है, वाघमारे जी बताएंगे आपको, कि जाना पड़ता है, आमदार को भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी बात सवाल ये है कि ये बार जो 24 में फाइट हुई है, ये आप भी जान सकते हो कि वो किस किस्म की फाइट है, तभी इस पर इतनी बहस हो रही है। वसीम भाई, इलेक्शन के बाद भी बहस हो रही है। और दूसरी बात, इन्होंने बोले थे अभी निखारी जी ने कि महाराष्ट्र का एग्जिट पोल मान रहे 400 अपना 25 का और नेशनल का नहीं मान रहे, तो ये मैं अपना नहीं बता रहा था, मैं वाघमारे जी का पॉइंट आउट कर रहा था, इनने ऐसी बात करे, मैंने ऐसा धर्मपाल जी को वो मैं बोल रहा था। वसीम जी, बोलिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे को, हाँ? कि आप गडकरी जी को मानते क्या नहीं मानते? क्या मानते? नहीं मानते, दिल से नहीं मानते? क्या मानते? दिल से नहीं मानते गडकरी जी को, सांसद मानते क्या दिल से? क्या मानते? तो मेरे पिताजी है क्या, चाचा है मेरे? नहीं नहीं, जो विकास किया वो किया, नहीं किया? विकास क्या किया? क्या नहीं किया? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या ना बताइए, एम्प्लॉयमेंट इसके पहले क्या एम्प्लॉयमेंट था? 10 साल पहले क्या एम्प्लॉयमेंट था कांग्रेस के राज में, क्या किया? 10 साल पहले 100 रुपए की क्या वैल्यू थी? 10 साल पहले 100 रुपए की क्या वैल्यू थी कांग्रेस के जमाने में? हाँ, हुआ क्यों नहीं? एक तो भी हुआ कमी है। पहली बात तो देखिए, आप राज ठाकरे जो है पार्टी में जाएंगे वहाँ की बजाएंगे, आप इतना इन्वॉल्व नहीं हुई, आप इतना बड़ा उसमें वो नहीं रखते। राज ठाकरे को कितनी टिकट दे दिया महाराष्ट्र में? नहीं दिया। कहा दिए? हाँ तो छोड़ो ना, कहा लगे वो पिछले बार इधर थे फिर उधर थे उनको। सवाल वसीम खान आपसे है कि आपने विकास की बात की, विकास ठाकरे ने अपने खुद के नाम पर जो है ये लड़ाई जो है लड़ी है, चुनावी मैदान में वो उतरे हैं, तो क्या बताओगे यहाँ कुनबी फैक्टर भी चला है, कितना फायदा होगा उस वोट? वो तो मेरे से ज्यादा आप अच्छे से बताओगे, क्योंकि विकास ठाकरे खुद कुनबी समाज से आते हैं, और जिस हिसाब से एक इंडिया का माहौल और नागपुर का माहौल रहा है कि दो कम्युनिटी ने तो भर भर के रोड डाली है, दो कम्युनिटी ने भर भर को जो एक डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत वोट रखने वाली कम्युनिटी है उनने भर भर के रोड दी कांग्रेस को। अब कुनबी फैक्टर कितना चला उसी पे हमारे विकास बहू खुद को विजय बता रहे हैं, एग्जैक्ट पोल खुद का जो बोल रहे हैं वो विजय का बोल रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो खुद वो समाज से आते हैं। कुनबी फैक्टर का मैं भी कुनबी हूँ, और कुनबी से लेकर मेरे को जिला अध्यक्ष पद भी है, जिसके अध्यक्ष विश्वनाथ पाटिल है। बहुत अच्छी बात है। तो हमने आज भी बता दिया, मैंने विश्वनाथ पाटिल से लेटर मंगाया था, और कुनबी सेना को पूरा पार्टी में हमने यहाँ पे नितिन जी गडकरी और सुधीर बाबू मुनगट्टीवार को हमने पूरा दिया था। सुधीर जी मुनगट्टीवार भी हार रहे हैं, हार रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से ना, लेकिन हमने उनको पार्टी में जाहिर किया था। हम विकास के पीछे दौड़ने वाले नहीं सर, हमारे 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 अध्यक्ष ठाकरे हमारे राजस्थान बोलते जो विकास है, विकास के पीछे दौड़ो। आज भी देखा की राजनीति से कोई हमारे रिलेटिव है, लेकिन मैंने वो रिलेटिव रहने के बाद भी सुधीर बाबू का लिए अपने समर्थन नहीं है। वोट काम है, वोट का नागपुर में ना, नागपुर में किया ना हमने गडकरी साहब के लिए, और सर्व शाक्य कुनबी समाज के हम जिला अध्यक्ष उसका भी
तो उस माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैडम कि उनमें ऐसा कोई फैक्टर है आप ज्यादा बना नहीं ये इसके पहले थोड़ा अपने इसके पहले जो पढ़े थे पटोली जी तब वो चला लेकिन इसके बीच में नहीं चला और उनमें लोगों ने भी विकास को देखते हुए गडकरी जी को बड़ा समर्थन दिया। बिल्कुल, कल नतीजे आने हैं, आज एग्जिट पोल चल रहे हैं, उस पर हमने चर्चा की। आखिरी सवाल मेरा तीनों से होगा, ये सवाल ऐसा है कि कल जो है रंग का जो मतलब जीत का जो रंग है वो कौन खेलेगा, गुलाल कौन लगाएगा और जीत का दामन कौन थामेगा, क्या लगता है सर? निश्चित रूप से नितिन जी गडकरी साहब जीतेंगे, 5 लाख मतों के फर्क से जीतेंगे। और आप देख लीजिए जिस प्रकार की चर्चा और बातें भी यहाँ पर हुई है, मैं नहीं समझता लेकिन उसके बावजूद संपूर्ण देश में, संपूर्ण महाराष्ट्र में और नागपुर में कल चुनाव का गुलाल, जीत का गुलाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगाएगा। और मैं यह भी आह्वान भी करता हूँ नागपुर शहर की जनता को कि जात धर्म भाषा इन सब से परे होकर विकास की मुख्य धारा में खुद को शामिल करते हुए, यह खुशी गडकरी साहब की नहीं है अपितु यह खुशी इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी होने वाले इस बात की भी नहीं है। यह लड़ाई देश को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब 2047 का भारत जो होगा वो विकसित भारत का सपना, उस सपने को प्रत्यक्ष रूपेण साकार करने की खुशी के रूप में आप सब लोग गडकरी साहब की, उनकी वैयक्तिक या भारतीय जनता पार्टी की खुद की खुशी न होकर, जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है, जिस प्रकार देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने कहा और जिस प्रकार गडकरी साहब ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने खुद का योगदान दिया है, उस खुशी में शामिल होने के लिए जात धर्म भाषा पंथ को भूलकर आप सब कल परिणाम के बाद इस खुशी में शामिल होने का प्रयास कीजिए और 2047 का विकसित भारत का सपना जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस जगह पर भारत को हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और बाह्य सुरक्षा के मसला, चाहे वो मसला हो या अखंड भारत की कल्पना हो या यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, या और भी ऐसे अनेक जो मसले हैं, जो अनेक विषय है, जो सपना हमने देखा है, उस सपने को साकार करने की जो खुशी होगी कल, उस खुशी में नागपुर शहर के हर जनता ने शामिल होना चाहिए, यही अपेक्षा मैं आपके माध्यम से व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, क्या कहोगे वसीम खान जी, कल नतीजे आने हैं, नागपुर में कौन जीत का दामन थामेगा? जैसे कि ये बता रहे हैं अपोजिशन हमारे पार्टी वाले कि 5 लाख की लीड आई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगा कि 5 लाख की लीड आई तो आपने फिर कल या परसों एक लाइव प्रोग्राम लेना जिसमें मैं टकला करवा कर आऊँगा और पूरी जनता से माफ़ी मांगूंगा। ये तो इनको बोलिए, ठीक है, 5 लाख ये बकवास की बात है, ये बातें ख़त्म करना चाहिए अभी। दूसरी बात, कल मीडिया को भी और आम जनता को भी हिंदुस्तान की एक शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और तीसरी बात, ये करते ये बात तो करना नहीं चाहिए क्योंकि कंक्लूजन हो रहा है यहाँ पे कि हमने जात बात भूल कर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सिक्योर रहना चाहिए, लेकिन सिक्योर बात कर आप धीरे से फिर यूसीसी की भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करते हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो पूरा एक कार्यक्रम होना चाहिए, उस पर आप बाद में भी बहस करेंगे। बस धन्यवाद, कल एक शॉकिंग रिजल्ट होगा और कोई 5 लाख की लीड नहीं। हमारे जो नेता है श्री विकास ठाकरे, वो हम कोई लीड का दावा नहीं करते, वो 2 वोट से भी जीते तो जीत होंगी और वो 3 वोट से भी जीते तो जीत होंगी। निखाड़े जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माझं असं म्हणणं आहे की उद्या गडकरी साहेब जास्तीत जास्त मताने विजयी होणार आहे आणि गडकरी साहेबाचा विजय हा संपूर्ण नापूरकर वासियांचा विजय म्हणून ओळखला जाईल। तसेच ह्या महाराष्ट्रामध्ये जे महायुतीला ज्या सीटा दाखवत आहे त्या सीटा भला एक थोड्याफार मार्जिनिक आहो, पण माझा असा अंदाज आहे की 30 ते 35 जवळपास महाविकास आघाडीला मिळेल, महायुतीला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और एग्जिट पोल पर जो है चर्चा की और कल नतीजे आने हैं, ये तो कल पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कल किसके सर जो है जीत का सहरा होगा ये भी कल पता चलेगा। अब तक के लिए
यही रुकते हैं, आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।